दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग ये फाइव टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फिनोटाइप से। बेसिकली फिनोटाइप क्या है? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टर, मतलब जो भी कैरेक्टर है, जैसे कि टॉल, ड्वार्फ, रेड, वाइट, जो भी हमें दिखता है प्लांट्स में, एनिमल में, वो क्या होता है? हमारे फिनोटाइप होते हैं। ठीक है, फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है उसको फिनोटाइप बोलेंगे। जीनोटाइप बेसिकली क्या है? जीनोटाइप वो है कि जैसे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या, जैसे कि आप इससे समझिए, एग्जांपल से ये हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, या डोमिनेंट होमोजाइगस है या रिसेसिव होमोजाइगस है। मतलब हम जेनेटिक्स मतलब जीन के कैरेक्टर को देख करके, हम जो जीन का कैरेक्टर है, तो हम यही बता रहे थे कि जो हमारा जीनोटाइप है बेसिकली वो क्या करता है, हमारे फिनोटाइप पे डिसाइड करता है। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा हेट्रोजाइगस है तो ये टॉल प्लांट को डिसाइड करेगा, ये हम होमोजाइगस डोमिनेंट है तो ये भी टॉल प्लांट को डिसाइड करेगा, लेकिन ये जो है हमारा रिसेसिव वो ड्वार्फ प्लांट को। मतलब क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारे फिनोटाइप को डिसाइड करते हैं। ठीक है, और जीनोटाइप यही होते हैं कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है किसी कैरेक्टर का। ठीक है, तो उसमें हमने ये आपको बताया। अब हम लोग पढ़ेंगे, जब हम फिनोटाइप और जीनोटाइप पढ़ लिए तो अब हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड जेनेटिक्स। फॉरवर्ड जेनेटिक्स बेसिकली क्या है? जब हम फिनोटाइप का स्टडी करके हम जीनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस का स्टडी करके हम लोग जब यहाँ पे इंटरनल या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट के पास पहुँचते हैं, इसका स्टडी करते हैं, तब उसको बोलते हैं हम लोग क्या? फॉरवर्ड जेनेटिक्स। ठीक है, और ये एग्जांपल में मतलब मेंडेलियन जेनेटिक्स था, जो वो बेसिकली वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट पे तो जाते नहीं थे, वो फैक्टर बोलते थे, जीन बोलते थे, लेकिन वो एक्सटर्नल अपीयरेंस से मतलब फिनोटाइप से जीनोटाइप का पता करते थे। इसलिए मेंडेलियन जेनेटिक्स कैसा जेनेटिक्स है? फॉरवर्ड जेनेटिक्स है। और रिवर्स जेनेटिक्स में क्या करते हैं? जस्ट इसका अपोजिट है। क्या है? रिवर्स जेनेटिक्स में हम जीनोटाइप से फिनोटाइप का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जीनोटाइप का मतलब हम जीनोटाइप पहले पता करते हैं, और जीनोटाइप जो भी हम लोग जैसे कि जीनोमिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो पहले जीनोमिक्स का स्टडी करते हैं, और उसके बाद से हम एक्सटर्नल अपीयरेंस या उस जो हम जीन का स्टडी किए हैं वो कौन सा कैरेक्टर बना रहा है या कौन सा फिनोटाइप बना रहा है, अगर हम ऐसा स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्स जेनेटिक्स। और वो एग्जाम्पल में स्टडी ऑफ जीनोम जो है इसका एग्जांपल है रिवर्स जेनेटिक्स का। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम स्टडी करके या मॉडिफिकेशन करके या जो भी स्टडी करके हम फिनोटाइप पे पहुंचते हैं तो उसको रिवर्स जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड जेनेटिक्स, रिवर्स जेनेटिक्स, फिनोटाइप और जीनोटाइप हो गया। फिनोकॉपी क्या होता है? फिनोकॉपी बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है। एक्चुअली में फिनोटाइप और फिनोकॉपी से लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो यहाँ कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिनोटाइप और फिनोकॉपी दोनों अलग अलग बात है। देखिए, वेन टू डिफरेंट जीनोटाइप, जैसे टू डिफरेंट जीनोटाइप, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, ये मतलब हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस टू डिफरेंट जीनोटाइप है कि नहीं? कह रहा है वेन टू डिफरेंट जीनोटाइप प्लेस अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन, और इन दोनों को डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन में रख दिया गया तो वो क्या होगा? वो क्या करेंगे? सिमिलर फिनोटाइप डेवलप करेंगे। सिमिलर फिनोटाइप, अगर सेम हाइट अटेंड करते हैं तो वो क्या होगा? वो आपस में कहलाएंगे कि ये फिनोकॉपी हैं, एक दूसरे का फिनोकॉपी है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यही लगभग यही है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, ये हेट्रोजाइगस है और ये होमोजाइगस है। अगर इन दोनों को उठाकर मान लीजिए कि ये पहले बनारस में थे, BHU में, आप सोचिए कि एक प्लांट को उठा करके हम AU में लेके चले गए और दूसरा हमारा BHU में है। ठीक है, और दोनों को क्या करते हैं, हम ग्रो कराते हैं, और इनका जब फिनोटाइप डेवलप होता है तो जब हम फिनोटाइप देखते हैं तो फिनोटाइप दोनों को क्या हो? सिमिलर हो। ठीक है, सिमिलर हो तो ये हम क्या बोलेंगे? सिमिलर हो तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के फिनोकॉपी हैं। ठीक है, तो फिनोकॉपी है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी जो जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी है वो ख़त्म होती है। इसमें हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जैसे पढ़ेंगे,
तो जैसे कि मान लीजिए लोग पूछते हैं कि ये ऐसा बताइए कि कोई ऐसा जीन है जो mRNA और प्रोटीन नहीं बनाता है, तो हाँ वो जीन है जो mRNA और प्रोटीन नहीं बनाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्रमोटर और रेगुलेटर, ठीक है, ये दो जीन ऐसे हैं वो क्या करते हैं, ये रेगुलेटरी पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं, ये कोई mRNA और कोई प्रोटीन नहीं बनाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन उठता है, पहला क्वेश्चन तो हम बता दिए कि कोई जीन है जो mRNA और प्रोटीन दोनों ना बनाता हो, तो हाँ ऐसा जीन है प्रमोटर और रेगुलेटर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कोई जीन है जो mRNA तो बनाता है लेकिन प्रोटीन नहीं बनाता है, तो हाँ वो भी है। जैसे कि जो जीन क्या करते हैं, जो जीन rRNA और tRNA को कोड करते हैं, ठीक है, rRNA और tRNA को कोड करते हैं, वो कभी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करते, ठीक है। वो एक्चुअली में जो जीन होता है वो rRNA और tRNA में मॉडिफिक, मतलब जो भी RNA बना है उसका मॉडिफिकेशन होकर के tRNA और rRNA बना लेता है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन ये बोला जाता है कि ये बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक कैरेक्टर के दो एलील होने का क्या मतलब दो एलील होना जरूरी है या एक कैरेक्टर के एक ही एलील हो तो ज़्यादा बढ़िया। मान लीजिए कि दो रखने से क्या मतलब, एक कैरेक्टर का एक एलील हो और वो एक्सप्रेस करे, अपना कैरेक्टर शो करे, तो ये तो ज़्यादा अच्छा है, देखने में ऐसा लगता है। लेकिन एक कैरेक्टर के दो एलील क्यों है, नेचर ने क्यों बनाया ऐसा, तो इसका आंसर ये है कि मान लीजिए जैसे आप समझिए कि टॉल प्लांट है, ठीक है, मतलब हाइट का हम कैरेक्टर ले रहे हैं, तो अगर ये टॉल प्लांट है, ठीक है, तो ये देखिए अगर दो एलील होगा तो क्या होगा, दो एलील होने से ये फायदा होता है कि जो कैरेक्टर होता है उसका फंक्शनल होने का परसेंटेज बढ़ जाता है। देखिए अगर मान लीजिए अगर सिर्फ एक एलील होता, अगर कैपिटल टी होता तो मतलब जो डिप्लॉयड आर्गिनिन होते वो ऐसे होता, तो एक ही चांस होता है कि वो जो होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तो क्या करेगा, अपना कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन आप सोचिए अगर दो एलील होंगे तो यहाँ पे दो कंडीशन में ऐसा चांस होगा जो अपना कैरेक्टर शो करेगा, तो मतलब इसलिए देखिए दो एलील होना इसलिए फायदेमंद है क्योंकि कैरेक्टर का फंक्शनल होने का परसेंटेज बढ़ जाए।